नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंस पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर लेकर के आया हूं आपको कक्षा 12वीं की भास्वती, जो हम पढ़ रहे हैं उसी का अगला पाठ लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रित भास्वती द्वितीय भागा नैके नापी समम गतः बसुमती अनुवाद भाग एक। अनुवाद भाग एक मतलब इसके और भी भाग आने वाले हैं, तो आप लोग पहले एक भाग को अच्छे से पढ़िएगा, उसके आगे आगे चलेंगे। देखिए नेके नापी समम गतः बसुमती, ये इस पाठ का तात्पर्य क्या है वो आप देख लीजिए। देखिए किसी के साथ कोई भी साथ नहीं जाता है, ना एकेन आपी समम गतः बसुमती, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी किसी प्रकार से ये जो पाठ हमारा लिया गया है ये भोज प्रबंध से लिया गया है। बल्लाल देव शैन के द्वारा रचित भोज प्रबंध किसे लिया गया है, और उसमें यहां पर राजा भोज के बारे में आपसे चर्चा होगी और मुंज के मानधाता के रावण राम आदि की चर्चाएं इस पाठ में होने वाली हैं। तो आप भी हमारे साथ अच्छे से तत्पर हो जाइए और देखिएगा। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है पाठ का परिचय, और पाठ का परिचय जैसा कि आपको पता है आपकी पुस्तक में भी ये दिया हुआ है, तो आप भी अपनी पुस्तक को सामने रखिएगा। लिखा हुआ है जो इसमें देखें प्रस्तुत पाठ, क्या लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ हो देखें इसमें प्रस्तुत पाठ बल्लाल सेन रचित भोज प्रबंध के भोज राजस्व राज्य प्राप्ति प्रबंध अंश का संपादित एवं संक्षिप्त रूपांतरण है। जो यहां पर ये भोज जो हमारा भोज प्रबंध से लिया गया है, भोज राजस्व राज्य प्राप्ति प्रबंध के अंश से लिया गया है, ठीक है ना। इसमें संक्षिप्त रूपांतरण किया गया है, छोटे रूप में बतलाया गया है, तो आप हम लोग भी ज्यादा चर्चा ना करते हुए छोटे रूप में ही इसको पढ़ेंगे। मनुष्य के मन में जब लोभ छा जाता है तब वह किसी प्रकार से निष्ठुर होकर के घृणित से घृणित कार्य करने में नहीं हिचकिचाता है, यह कथानक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस पाठ में भोज के चाचा मुंज, राजा भोज के चाचा कौन थे, मुंज, ये आप नोट करते जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न बनेंगे कि राजा भोज के जो चाचा थे वो कौन थे। तो इसमें चाचा मुंज बालक भोज को मरवाने का षड्यंत्र बनाते हैं, परंतु भोज उस मृत्यु काल में मुंज के नाम एक संदेश देते हैं जिसमें मानधाता रावण आदि का उदाहरण प्रदर्शित करते हुए संसार की नश्वरता प्रदर्शित की गई है। देखिए यहां पर उदाहरण जब मरवाने की बात आती है राजा भोज की, तो वहां पर कई उदाहरण दिए जाते हैं, चाहे मानधाता की हो, चाहे रावण की हो, चाहे राम की हो, और चाहे दिलीप की हो, किसी की भी हो। उन्होंने कहा है कि एक छत्र पृथ्वी पर राज करने वाले एक से एक राजा रघु हुए, और हमारे राजा मनु हुए, राजा राम हुए, दिलीप हुए, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर, जिनका समुद्र ही किनारा है, समुद्र ही जिसकी खाई है, ऐसे हम आगे के पाठों में पढ़कर के आए हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, कोई भी इस पृथ्वी को अपने साथ में लेकर के नहीं गया है, इसीलिए इस प्रकार के उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि ये पृथ्वी हमारी क्या है, वसुमती जो है, ये पृथ्वी है, सब यहीं पड़ी रह जाती है और व्यक्ति यहां से चला जाता है, जो तो समय है, समय का फेर है, कब किसको क्या करना है, इस प्रकार का इसमें उदाहरण दिया गया है। आगे देखेंगे उसी क्रम में चल रहे हैं, पाठ परिचय में दिया इस श्लोक को पढ़ करके न केवल भोज का वध करने वाले का, इस श्लोक को पढ़कर के ना केवल भोज का वध करने वाले का मन परिवर्तित हो गया। मतलब राजा भोज को जो वध करने की सोच रहा था, जो गया था लेकर के, उसका भी मन परिवर्तित हो गया, अपितु मुंज को भी वैराग्य धारण हो गया, ठीक है। तथा भतीजी के वध से दुखी होकर के प्रायश्चित स्वरूप अग्नि में प्रवेश करना चाहता था, परंतु वत्सराज तथा बुद्धि सागर की योजना से भोज पुनः जीवित घोषित कर दिया जाता है। मानधाता च महीपति, यह श्लोक संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में प्रसिद्ध हो गया, यह श्लोक भी संस्कृत जगत में बहुत प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे उन्होंने क्या बतलाया है, पूरा परिचय देखते हैं पाठ का, फिर इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा रहता था। प्राचीन काल की बात चल रही है, और प्राचीन काल में धारा राज्य है, धारा राज्य कौन सा है, धारा राज्य है, और वहां का राजा कौन है, सिंधुल नाम का राजा है। वहां कौन सा राजा है, सिंधुल नाम का राजा था। वृद्धावस्था में उसके यहां भोज नाम के पुत्र का जन्म होता है। मतलब ये भी स्पष्ट हो गया कि राजा भोज के पिता का नाम क्या था, सिंधुल था,
ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको पिता पुत्र की कहानी के बारे में बताया जा रहा है और एक राज्य संपत्ति की बात की चर्चा की जा रही है। तो एक धारा राज्य था और वहां के राजा सिंधुल राजा थे, ठीक। उनका एक पुत्र हुआ वृद्धावस्था में, कब हुआ वृद्धावस्था में, यह भी प्रश्न आप ध्यान रखिएगा कि राजा सिंधुल को वृद्धावस्था में किसको जन्म होता है, एक पुत्र को जन्म होता है। पुत्र का जन्म हुआ और कब हुआ, बोले वृद्धावस्था में हुआ। किसको हुआ, बोले सिंधुल राजा को हुआ। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी वृद्धावस्था तथा पुत्र को बालक जान करके उनमें उसने राज्य अपने भाई मुंज को सौंप दिया। अब उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र तो अभी 5 वर्ष का है, छोटा है, तो उन्होंने अपने भाई को ही अपना राज्य सौंपने का निश्चय कर लिया, सौंप दिया। मुंज ने मुख अमात्य बुद्धि सागर को, अब देखें राजा मुंज कौन है, सिंधुल के भाई, कौन है सिंधुल के भाई। तो आप कैसा, यहां प्रश्न बनेगा कि जो धारा नाम के धारा राज्य के जो सिंधुल राजा थे उनका भाई कौन था, तो मुंज, कौन थे मुंज थे, भ्राता कौन थे मुंज थे। अब उन्होंने कहा जब राजा मुंज बन गया तो मुंज ने मुख्य अमात्य, मुख्य अमात्य का मतलब होता है मंत्री, ठीक है ना, जो वहां का सलाहकार होगा, मुख्यमंत्री होगा, जैसे अकबर का बीरबल मुख्य सलाहकार था। तो मुंज ने अपने अमात्य बुद्धि सागर को, उसका नाम क्या था, बुद्धि सागर था। तो यह भी याद रखना कि अमात्य का नाम क्या था, बुद्धि सागर था। उस बुद्धि सागर को व्यापार मुद्रा से दूर करके, व्यापार मुद्रा मतलब ईमानदार था वो, ईमानदार कैसा था कि राजा सिंधुल का ईमानदार था। इनका ईमानदार कौन था, बुद्धि सागर। बुद्धि सागर को विश्वास था कि जो राजा करेंगे वो सही करेंगे, और सिंधुल का विश्वास था कि ये जो भी करेगा वो सही, मतलब एक विश्वास पात्र अमात्य था। तो इस बुद्धि सागर को उन्होंने क्या कर दिया, व्यापार मुद्रा से दूर कर दिया। मतलब वो राज्य का पूरा कोषालय देखता था, जो एक वित्त मंत्रालय होता है उस वित्त मंत्रालय को बुद्धि सागर देखता था, और उस वित्त मंत्रालय मुद्रा से इसको क्या कर दिया, राजा मुंज ने दूर कर दिया। अब भाई सीधी सीधी बात है, बाहर जाने के लिए बोल दिया तो राज्य से दूर हो जाएगा, यहां राज्य की बातें पता नहीं चलेंगी। अब देखें, दूर करके अन्य पद पर नियुक्त कर दिया, उसको दूसरा पद दे दिया। जब ऐसा होता है ना, जब कोई करप्ट नेता आता है तो ईमानदार लोगों को ट्रांसफर कर देता है, तो वही यहां पर हुआ कि राजा मुंज ने बुद्धि सागर का ट्रांसफर कर दिया और व्यापार कोष से उसको दूर कर दिया कि अब इसका लेखा जोखा इसके पास नहीं रहेगा, तो ये पूछेगा भी नहीं कि यहां क्या खर्चा करना है, कि इससे पैसा कितना निकालना है। अब राजा मुंज अपनी मनमानी करने लगा, नियुक्त कर दिया। एक बार कोई शास्त्र पारंगत ब्राह्मण सुनकर के मुंज राज्यसभा में आया, उसने देखा कि एक कोई ब्राह्मण आया है जो शास्त्र से पारंगत है, तो ब्राह्मण सुनकर के मुंज राज्यसभा में आ गया। अब राज्यसभा में आया और ब्राह्मण क्या हुआ, ब्राह्मण ने भोज के 55 वर्ष के राज्य के विषय में बताया, ब्राह्मण ने राजा भोज के 55 वर्ष के राज्य के विषय में बताया कि यह बालक बहुत ही तेजस्वी है और यह 55 वर्ष तक क्या करेगा, राज्य करेगा, 55 वर्ष तक यह राज्य करेगा, बहुत अच्छा राज्य करेगा, ठीक है ना। तो विषय में बताया, इस भविष्यवाणी को अतीव दुखी हुआ, इस भविष्यवाणी को सुनकर के वो बहुत दुख हुआ, उसको दुख हुआ, और उसने बंग देश के राजा वत्सराज को बुलाया। बंग देश मतलब बंगाल, बंग देश का मतलब बंगाल, बंग देश के राजा वत्सराज को बुला करके, वत्सराज को बुलाया, वत्सराज इसका कोई मित्र होगा, बहुत अच्छा मित्र होगा, वत्सराज को बुला करके उसे भोज को जंगल में ले जाकर के मारने का आदेश दिया। उसने बंग देश के राजा को बुलाया कि बोले और इसको राजा जो भोज था, उनका पुत्र था 5 वर्ष का, उस भोज को ले जाओ जंगल में और उसको मार दो, आदेश दे दिया। ना चाहते हुए भी वत्सराज भोज को रथ पर बैठा करके वन में ले गया। अब जो वत्सराज था, बंग देश का राजा था, अब यहां पर भी प्रश्न बनेगा कि मुंज ने भोज को मारने के लिए किसको बुलाया, तो कहां के राजा को बुलाया, बंग देश के राजा को बुलाया, लेकिन उसका नाम क्या था, वत्सराज था। अब वत्सराज ने यह सोचा कि इस छोटे से बालक को क्या मारूं, तो उसका भी मन नहीं था, तो उसने देखो लिखा हुआ है कि ना चाहते हुए भी वत्सराज भोज को रथ में बैठा करके वन में ले गया, वन में ले जाने लगा। अब वन में ले जाने लगा क्योंकि वो चाहे भी नहीं रहा कि इस छोटे से बालक को मारा जाए, लेकिन फिर भी अब आदेश दिया है तो मुंज ने, राजा ने, अब मुंज बड़े राज्य का राजा था तो उनके अधीन था बंग देश, तो उन्होंने कहा अब कहा है तो ले जाना पड़ेगा, तो ना चाहते हुए भी ले गया, ठीक। फिर वत्सराज की शिक्षा को जानकर के भोज ने वत्सराज से कुछ पूछा। वत्सराज जब ले जा रहा था तो इच्छा को जानकर के उस ले जा रहा था जंगल में, तो भोज ने वत्सराज से पूछा, कुछ कहा,
अब भोज कौन था? 5 वर्ष का छोटा सा बालक था। उसने वत्सराज से कुछ कहा, क्या कहा? कि जिसे सुनकर के वत्सराज को वैराग्य हो गया, जो वत्सराज आया था वंगदेश का राजा, उसको वैराग्य धारण हो गया, ऐसी बात कह दी। और उसने भोज को नहीं मारा, फिर उसने भोज को नहीं मारा अपितु उसे अपने घर में छिपा करके रख दिया, छिपा दिया, अपने घर में ले गया और छिपा दिया। वत्सराज ने भोज का नकली मस्तक बना करके उसे राजा मुंज के सन्मुख रख दिया, और वत्सराज ने फिर राजा भोज उसको भोज बालक को मारा नहीं और उसका एक नकली सर बनाया उसी के जैसा, और मुंज के पास पहुंचा, बोले मैंने उसको मार दिया है। अब क्या है, मुंज तो बिल्कुल वो हो गया है। मुंज के पूछने पर वत्सराज ने बताया कि भोज ने अंत समय में कहा कि मानधाता जैसे बड़े बड़े राजा भी चले गए। अब जो बात भोज ने वत्सराज से कही थी, अब वही वत्सराज मुंज से क्या कहता है कि मरते समय, भाई मुंज ने पूछा होगा कि मरते समय उसने कुछ कहा है क्या, तो उसने बताया कि भोज ने अंत समय में कहा कि मानधाता जैसे बड़े बड़े राजा भी चले गए। राजा मानधाता हुए, ठीक है ना, रघु हुए, दिलीप हुए, मनु हुए, रावण हुए, एक से एक राजा हुए, बोले बड़े बड़े राजा चले गए। समुद्र पर सेतु बनाने वाले वह रावण को जीतने वाले राजा राम भी चले गए हैं, जो आए थे तो समुद्र पर सेतु बना दिया ऐसे राजा, और जिसने रावण पर विजय प्राप्त की ऐसे राजा राम भी चले गए हैं। युधिष्ठिर जैसे अनेक राजा चले गए, परंतु धन लक्ष्मी इनमें से किसी के साथ नहीं गई है। देखिए उसने कितना अच्छा, छोटा सा बालक, लेकिन उसने उदाहरण किस प्रकार से दिया कि मानधाता जैसे बड़े बड़े राजा भी चले गए हैं, और जिसने समुद्र पर सेतु बनाया और रावण पर जिसने विजय प्राप्त की, ऐसे राम भी इस पृथ्वी पर नहीं रहे। युधिष्ठिर जिसने इनके, देखो पूरी महाभारत की बात कर रहे हैं, कि ऐसे युधिष्ठिर जिन्होंने महाभारत में धर्मराज के नाम से प्रचलित हुए और जिसने एक छत्र राज किया, और 14-13 वर्ष का जिन्होंने अज्ञात वन धारण करके और फिर आकर के राज्य किया, ऐसे युधिष्ठिर भी क्या हुए, धन लक्ष्मी को अपने साथ में नहीं ले जा पाए और क्या हो गया, और चले गए। शायद आपके साथ जाएगी, उन्होंने कहा वत्सराज से कि शायद ये लक्ष्मी, शायद हो सकता है कि आपके साथ जाए, कहां, साथ में परलोक। ऐसा सुनकर के राजा मुंज को भी वैराग्य हो गया। ऐसा राजा मुंज ने सुना और वैराग्य हो गया उनको, उनको लगा कि बहुत गलत किया है मैंने बच्चे को मरवा करके, और उसने प्राश्चित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया कि अब मैं प्राश्चित करूंगा। अरे प्राश्चित करने से क्या है, अगर मान के चलिए उसने वत्सराज ने मार दिया होता, फिर वो तो बेचारा बालक चला ही गया, ठीक, वो तो चला ही जाता ना, लेकिन उन्होंने उसको अपने घर में छिपा दिया था, अभी ऊपर देखा ना, तो अब उसको वैराग्य हो गया और उसने निश्चय किया कि मैं, मेरे द्वारा जो ये काम किया गया है, मैंने जो ये अखंड जघन्य अपराध किया है, उसका प्रायश्चित करूंगा और अग्नि में अपने को जिंदा जीवित अग्निदाह कर दूंगा। इस प्रकार से प्रायश्चित करने का उन्होंने क्या कर लिया, राजा मुंज्र ने निश्चित कर लिया। आगे देखेंगे, तब वत्सराज ने बुद्धिसागर को भोज के जीवित होने का रहस्य बताया। अब बुद्धिसागर कौन था, याद करो बुद्धिसागर कौन था, अभी मैं पढ़ा करके आया, ऊपर पाठ परिचय में अभी बता के आया कि सिंधुल नाम के जो राजा थे जिनका लड़का था भोज, उन्हीं का एक अमात्य था जिसे मुद्रा कोष से दूर कर दिया गया था, दूसरी जगह नियुक्त करिए ट्रांसफर कर दिया था ना, जो उनका एक सलाहकार था, पुराना मंत्री था, उससे बुद्धिसागर को बताया किसने, वत्सराज ने क्या बता दिया बुद्धिसागर को कि भोज अभी जीवित है, तभी राजा मुंजे के अग्नि प्रवेश के समय एक योगी तांत्रिक का प्रवेश होता है। अब वहां पर ये सब बुद्धिसागर की षड्यंत्र में, अब उन्होंने क्या किया, तभी राजा मुंज के अग्नि प्रवेश के समय एक योगी तांत्रिक का प्रवेश होता है, तब राजा मुंज के करने पर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जब वह आत्मदाह करने जाने लगे, अग्निदाह करने जाने लगे, तो राजा मुंज के करने पर उससे पूर्व निर्धारित योजना, एक योजना बनी थी, वह भोज को जीवित करने का उपक्रम करता है। मतलब जो वहां पर एक ब्राह्मण आता है, योगी आता है, वो बताता है कि मैं क्या है, उसको राजा भोज को जीवित कर दूंगा, वो ऐसा उपक्रम उसने एक ऐसा बताया। तो भोज हाथी पर बैठकर के राजमहल आता है, संतुष्ट मुंज राज भोज को सौंप करके अपनी रानियों के साथ तप करने वन को चले जाते हैं, और भोज ने चिरकाल तक पूजा पालन किया, और क्या है, प्रजा पालन किया, पूजा नहीं प्रजा पालन किया, चिरकाल तक मतलब बहुत लंबे समय तक। अब राजा भोज ने क्या किया, उसको
राजपाट दे दिया उस छोटे बालक को, और क्या है कह दिया कि जाओ अब मैं कहां जाता हूं, जंगल में तप करने के लिए अपनी रानियों के साथ जाता हूं। और मुंज क्या है जंगल की ओर चले जाते हैं और राजपाट किसको दे देते हैं, राजा भोज को। राजा भोज फिर चिरकाल तक प्रजा का पालन करते हैं। उसी प्रकार से अब ये पैराग्राफ हमारा फर्स्ट आ गया है। पैराग्राफ में देखिए अब लिखा होगा क्या है, बिल्कुल स्पष्ट हो, वो तो हमारा पाठ परिचय था, पाठ परिचय के आधार पर उन्होंने सूक्ष्म रूप में एक कहानी जैसे बता दी है कि इसमें वर्णन किस किस का मिलने वाला है, और आपको भी अब समझ में आएगा कि वास्तविकता में इसमें कौन कौन सा वर्णन मिलने वाला है, तो आप भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे पुराधारा राज्य सिंधुल रसंग्यो नाम राजा चिरम प्राज्या पर्यपालियत तस्य वार्धिक्ये भोज इति पुत्रः समजनी सह समजनी। देखें यहां तक, यहां लगा हुआ है पूर्ण विराम। अब यहां देखें पुरा माना होता है प्राचीन काल, पुरा का मतलब प्राचीन काल, और धारा राज्य माना होता है धारा राज्य में। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नाम का एक राजा था, संज्ञो राजा। सिंधुल संज्ञो माने संज्ञा, संज्ञल माने नाम, ठीक है ना। तो सिंधुल नाम का राजा था और चिरम चिरम प्राजा पर्यपालन, वो बहुत लंबे समय से प्रजा का क्या कर रहे थे, पालन पोषण कर रहे थे और प्रजा की रक्षा कर रहे थे और राज्य को बहुत अच्छे तरीके से चला भी रहे थे। कौन? धारा नाम के, धारा राज्य के एक सिंधुल राजा थे, ठीक, जो चिरकाल से प्रजा प्रजा की पालन कर रहे थे। तस्य वार्धक्य, उनकी वृद्धावस्था के समय, उनकी वृद्धावस्था में, जैसे ही उनकी वृद्धावस्था आई तो अब लड़खड़ाने लगे। वृद्धावस्था में ही भोज इति पुत्रः समजनी, भोज नामक पुत्र को उन्होंने क्या है, उनके यहां जन्म हुआ और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने भोज रख दिया। फिर उन्होंने कहा सह यदा पंचवार्षिक तदा पिता हे आत्मनो जराम ज्ञात्वा, जब सह माने वह, यदा माने जैसे, ठीक है ना, तब जब वह पांच वर्ष का, पंचवार्षिक, पंचवार्षिक माने पांच वर्ष का, तदा पिता हे आत्मनो जरा, उन्होंने पांच वर्ष के अपने को देखा तो उनके पिता या आत्मनो, उन्होंने देखा कि जरा माने बुढ़ापा, ज्ञापता माने जान करके, उन्होंने कहा मेरा तो बुढ़ापा आ गया है, मेरा तो क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया। मुख्य अमात्य आहुय और अनुजम मुंजम महाबलम आलोक्य पुत्रम चावालम संवीक्ष विचार या मासम यद्यहम राजलक्ष्मी भार धारणम समर्थम सहोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि तदा लोक अपवादः। अब उन्होंने कहा, अब जैसे ही वो वृद्धावस्था उन्होंने समझा कि अब मेरी तो वृद्धावस्था आ गई है। देखिए यहां पर देखो, उनके पिता को ये आभास हुआ कि अब आभास क्या है, वृद्धावस्था ही थी। वृद्धावस्था को जान करके उन्होंने अपने मुख्य अमात्य को आहुय अनुजम बुलाया, और अनुजम माने छोटे भाई को, राजा मुंज को भी उन्होंने अपने अनुज को भी बुलाया, और महाबलम आलोक्य, महावलम आलोक, उसको ताकतवर समझ करके, इस पूरे राज्य को समझ करके, आलोक्यम पुत्रम चा, और अपने पुत्र को बालक समझ करके, संवेक्ष विचार या मा, सभी के बीच में क्या विचार किया, और यद्यहम बोले यदि मैं राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्था, मैं अगर राज्य लक्ष्मी का भार धारण समर करने में इस राज्य का समर्थ नहीं हूं, असमर्थ हूं, धारण में समर्थ है, तो सहोदर सहोदर अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, और अपने भाई के द्वारा राज्य को पुत्र के लिए प्रयच्छामि माने पूछता है। तदा लोक अपवाद, अगर मैं अब यह राज्य अपने पुत्र को देकर के जाता हूं तो लोग क्या है, अपवाद समझेंगे, ठीक, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, लोक अपवाद ना बने इसलिए अथ हुआ बालम में पुत्र मुंजो राज्य लोभादि विषादि नाम मारिष्यति तदा दत्तमपि राज्यम वृथा। अब उन्होंने कहा तब उस बालक को छोड़ करके, बालम माने बालक, बालक को छोड़ करके उन्होंने मैं माने मेरा पुत्र मुंज को, अपना पुत्र को किसको दे दिया, मुंज को दे दिया, और राज्य लोभ के, राज्य के लोभ में अब उन्होंने क्या कर दिया, अपने पूरे राज्यपाट को मुंज को दे दिया है और अपने पुत्र को भी उनकी गोद में रख दिया है कि इसकी देखरेख तुम्हें करना है। तब बालक में, बालक को और उस बालक के पुत्र को, उनके पुत्र को क्या कर दिया है, मुंज ने राज्य के लोभ में विषादी नाम माने विष आदि मारी स्थिति माने विष आदि को दे करके मारने की कोशिश की। दत्तम अपि राज्यम वृथा, तब राज्य के वृथा में पुत्र हानिर वंशो छेदम इति विचार राज्यम मुंजाय दत्त्वा तदुत संगे भोज आत्मनम मुमोच, तब इस विचार के आधार पर राज्य को मुंज के हाथों में दे करके तत् संगे भोज आत्मनम मुमोच, और भोज को उनके हाथों में सौंप दिया कि जाओ और अब आप क्या करोगे, आप राज्य को, राजा मुंज को दे दिया राज्य, और उनके पुत्र को, अपने पुत्र को उनके हाथों में दत्त्वा माने
सौंप दिया और कहा कि पुत्र की रक्षा करना, इस राज्य की भी रक्षा करना। ठीक है, तो यहां देखें धारा राज्य में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, संज्ञों में यहां विसर्ग संधि लगी हुई है, प्रजा में बहुवचन लगा हुआ है, प्रजा पालियत, ठीक है ना, वो हमारा लोट लगा हुआ है, वार्धिक तस् में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, समजनी हिस्सा मान वह यदा, पंचवार्षिक तदाह, तो पंचवार्षिका तदा यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, हे आत्मनो, ठीक, या आत्मना यहां विसर्ग संधि, जराम यहां द्वितीय विभक्ति, ज्ञात्वा में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ज्ञा धातु है, मुख्यम अमात्य आनून, तो यहां दीर्घ संधि, यहां दीर्घ संधि लगी हुई है, अनुजम मुंज महाबलम, क्या लिखा हुआ है, मुंज महाबलोक्यम पुत्रम चावालम संवीक्ष विचारिया मास यद्यहम राजलक्ष्मी भार धारणम समर्था, तो संवीक्ष में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सम उपसर्ग है, वीक्ष धातु है और ल्यप प्रत्यय हो जाकर बन जाएगा, पुत्राय में चतुर्थी लगी हुई है, प्रयच्छामी में देखिए हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, लोका अपवादा में भी याद रख लेना कि दीर्घ संधि है, बालम में द्वितीय, पुत्रम में द्वितीय, में रूप जो बना हुआ है ये हमारा अस्मत का रूप है विकल्प भाव में, ठीक, राज्य लक्ष राज्य लोभादि साधि नाम, ठीक, मारिष्यति ये लिट लकार भविष्य काल का है, राज्यम द्वितीय विभक्ति, पुत्र हानिर वंशोस छेदश्च इति विचार्यम, राज्यम मुंजाय में फिर यहां पर चतुर्थी आ गई, दत्वा में त्वा प्रत्यय है, भोज आत्मना भोजम आत्मनम, तो यहां हमारी भोजम अलग हो जाएगा, आत्मनम अलग हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तो यहां पर आगे देखेंगे हम, आगे दिया हुआ है हमारा, इसके बाद ततः क्रमादः, देख लिया ना, वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, राजा भोज को मुंज के हाथों में सौंप दिया, ततः क्रमादः, अब क्या दिया हुआ है, ततः क्रमादः, क्रमाद राजनी दिवंगता, तब राज उसी क्रम में चलता रहा और राजा का क्या हो गया, दिवंगत हो गए हैं, चले गए, साम प्राप्त राज्यम संपतिर मुंजो मुख्यामात्यम बुद्धि सागरा आत्मनाम व्यापार मुद्रायाः दूरी कृता तद पद अन्य नियोजनामा नियोजन नियोजयामास अत कदाचनम सभायाम ज्योतिर्शास्त्र पारंगतम कश्चन ब्राह्मण समागम राजा नम आह देव लोक माम सर्वज्ञम कथयन्ति तत्किमपि यच्छेदम पृच्छत्। देखे जरा, उसी क्रम से राजा दिवंगत हो गए सांप्रतम राज्यम, राज को छोड़ करके, ठीक है ना, फिर उन्होंने कहा संपत्तिर मुंज, संपत्ति के लोभ में मुंज ने मुख्य अमात, संपत्ति कोष का जो राज्य का संपत्ति कोष को संभालने वाला था कौन, मुख्य अमात, उस मुख्य अमात बुद्धि सागर को क्या कर दिया, व्यापार मुद्रा यह दूरी कर, व्यापार मुद्रा से उन्होंने दूर कर दिया, तद पदे अन्य उसके पद पर किसी दूसरे को नियोजयामास नियोजित कर दिया, अत कदाचन तब कभी, तब फिर उन्होंने क्या है सभा में ज्योतिषशास्त्र पारंगत, उसी समय सभा में एक ज्योतिष शास्त्र ब्राह्मण एक पारंगत आया और कश्चन ब्राह्मण कोई ब्राह्मण समागत माने आकर के राजानम राजा को आह देव अरे देव लोका माम सर्वज्ञम वह संसार लोक को सबको जानने वाला उसने कहा कि तत् किम अपि यथेवम प्रच्छ तो तुम उसके द्वारा कुछ भी पूछा गया क्या पूछा गया है वो देखेंगे यहां पर देखें यहां क्रमाद में पंचमी लगी हुई है दिवंगते में सप्तमी लगी हुई है साम प्राप्त राज्यम संपतिर विसर्ग संपत्ति प्लस मुंजो ठीक मुख्य अमात्य यहां दीर्घ संधि बुद्धि सागर आत्मनम ठीक द्वितीय विभक्ति व्यापार मुद्रया यहां हमारी तृतीय विभक्ति लगी हुई है दूरी कृत में यहां देखिए कृत में ल्य प्रत्यय है तदे तद पदे अन्य तो यहां पर तद पदे प्लस अन्य तो वहां हमारी कौन है पूर्व रूप संधि लग गई है फिर इसके बाद देखिए लोकाह में बहुवचन लगा हुआ है सर्वज्ञम कथयन्ति यहां बहुवचन पद लगा हुआ है ये व्याकरणात्मक टिप्पणी है आगे देखेंगे शब्दार्थ देखें इस पैराग्राफ से संबंधित क्या होंगे अब पूरे पैराग्राफ का अगर भावार्थ समझ गए होंगे तो देखिए राजा दिवंगत हो गए हैं अपने पुत्र को किसके साथ में सौंप गए हैं मुंज को दे गए हैं अपने भाई सहोदर अपने भाई को दे गए हैं और राजा मुंज के तभी उसी समय उन्होंने अपने बुद्धि सागर नाम का जो अमात्य था मुख्य सलाहकार था मुख्य जो मुद्रा को उसका अधिकारी था उसको उससे पत्र हटा दिया और उसी समय सभा में एक ब्राह्मण आया और उसने कहा तो उसके बाद अब क्या होगा वो देखेंगे सिंधुल संघ्यो माने सिंधुल नाम का राजा पर्यपालियत माने पालन किया वार्धक्य माने बुढ़ापे में समजनी माने उत्पन्न हुआ जराम माने बुढ़ापे को आहू माने बुला करके महाबलम आलोक माने महाबलीशाली
देख करके, महाबलशाली किसको, मुंज को देख करके उन्होंने क्या कर दिया, अपने राज्य को उनको सौंप दिया था। संभिक्ष माने देख करके और अपहाय माने छोड़ करके, छोड़ दिया उन्होंने अपने लोक अपवाद हमारे लोक निंदा से बचने के लिए, विचार माने विचार करके, उत्संगे माने गोद में और मुमोच माने सौंप दिया। किसको, राजा भोज को, नियोजमान नियोजियामास नियुक्त कर दिया। समागम का मतलब होता है आकर, समागम का मतलब आकर के। अब देखेंगे उसी क्रम में प्रसंग दिया हुआ है, प्रसंग क्या है। अब इसमें अन्वय नहीं होगा क्योंकि अन्वय तो वो किसका होता है, श्लोकों का होता है, अन्वय हमारे इसका पैराग्राफ का गद्यांशों का नहीं होता, ध्यान रखिएगा, पद्यों का होता है। प्रस्तुत गद्यांश वल्लाल सेन रचित भोज प्रबंध के भोज राजस्य राज्य प्राप्ति प्रबंध अंश के संपादित रूपांतरण से लिया गया है, जिसमें राजा भोज के पिता अपने भाई मुंज को राज्य सौंपना वर्णित है। इस पैराग्राफ में राजा सिंधुल के द्वारा अपने भाई सिंधुल को मुंज को राज्य सौंपने के बारे में बताया गया है। सरल अर्थ को देखेंगे, प्राचीन काल में सिंधुल नाम के राजा ने चिरकाल तक प्रजा का पालन किया, बहुत लंबे समय तक प्रजा उन्होंने प्रजा का पालन किया। वृद्धावस्था में उनके यहाँ भोज के भोज नाम के पुत्र का जन्म हुआ। जब वह 5 वर्ष का था तब पिता ने अपनी वृद्धावस्था को जानकर के वह अपने छोटे भाई मुंज को महाबलशाली देख करके मुख्यमंत्रियों को बुला करके विचार किया, यदि मैं राज्य लक्ष्मी अर्थात राज्य को संभालने में समर्थ अपने भाइयों को छोड़ करके राज्य अपने पुत्र को देता हूं तो लोगों में निंदा होगी, अथवा मुंज राज्य के लोभ के कारण मेरे बालक छोटे पुत्र को विषादी से मार देगा तो दिया हुआ राज्य भी व्यर्थ है, पुत्र की हानि तथा वंश का विनाश। यह विचार करके राजा ने मुंज को राज्य देकर के उसकी गोद में अपने पुत्र भोज को सौंप दिया। देखिए ये राजा भी जानता था कि इस राज्य के लोभ में उसने अगर मेरे पुत्र को मार दिया तो भी फिर भी उन्होंने लोक निंदा से बचने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, ये पूरा राज्य अपने भाई को दे दिया और अपने पुत्र को उनके हवाले कर दिया, सौंप दिया। फिर देखें तब राजा की मृत्यु के पश्चात, तब राजा की मृत्यु के पश्चात राज्य संपत्ति प्राप्त कर मुंज ने मुख्य अमात्य बुद्धि सागर को व्यापार मुद्रा से दूर करके उसके स्थान पर किसी और को नियुक्त कर दिया। फिर कभी ज्योतिष शास्त्र, तब वही कभी राज्य चलने लगा, फिर कभी ज्योतिष शास्त्र निपुण कोई ब्राह्मण राजा से आकर के बोला, हे महाराज लोग मुझे सब कुछ जानने वाला कहते हैं तो जो चाहो सो पूछो, लोग मुझे सब कुछ जानने वाला कहते हैं आप भी कुछ मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा उस ब्राह्मण ने कहा। चलिए ठीक है, पूछ रहे हैं, अब क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। सिंधुल संघ्यो राजा, ये संधि विच्छेद है, अब संधियां आ गई हैं, संधियों को देखेंगे। संधियों में होना सिंधुल संज्ञा राजा, सिंधुल संज्ञा राजा बताया तो देखो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि देखे, सिंधुल सिंधुल प्लस सिंधुल संज्ञा, सिंधुल संज्ञा प्लस राजा दिया हुआ है। यहां पर हमारी विसर्ग संधि है ये तो स्पष्ट है, लेकिन विसर्ग संधि के अंतर्गत हमारी एक संधि है जिसे उत्त संधि कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्त संधि। ठीक, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा हमारा, उ हो जाएगा, सिंधुल संज्ञा उ, और ये उ हमारा आ उ का गुण बना लेगा और क्या कर लेगा, यहां उ बना लेगा, तो ये बनेगा हमारा सिंधुल संज्ञो, सिंधुल संज्ञो राजा हो गया कि नहीं, सिंधुल संज्ञो राजा। अब यहां पर भी उन्होंने वही बात की है कि सिंधुल संज्ञो राजा में उत्त संधि कर दी है। अब देखें पंचवार्षिकस्तदा, पंचवार्षिका प्लस तदा, पंचवार्षिका दिया है, पंचवार्षिका, पंचवार्षिका प्लस तदा दिया हुआ है। फिर यहां पर देखें विसर्जनीय से सह सूत्र लगेगा, विसर्जनीयस, विसर्जनीयस सह से विसर्ग के स्थान पर शा कर देंगे, पंचवार्षिक, पंचवार्षिक श प्लस तदा दिया हुआ है, पंचवार्षिक तदा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा पंच वार्षिकस्तदा, पंचवार्षिकस्तदा बन गया। तो यहां पर भी हमारी संधि कौन सी हुई, विसर्ग संधि हुई, विसर्ग संधि हो गई। अब विसर्ग संधि के बाद
अब आगा अगले हमारा देखते हैं, अगला हमारा क्या है, ह्यात्मनो जराम, ही आत्मनः प्लस जराम। तो पहले ही प्लस आत्मनः देखते, ठीक है ना, ही प्लस आत्मनम, आत्मनः, ही प्लस आत्मनः दिया हुआ है, तो यहां हमारा हा में से क्या निकाल लेते हैं, ई को निकाल लेते हैं, और आत्मनः शब्द, आत्मनः शब्द इसमें जुड़ते हैं, ये जुड़ गया, ठीक। अब यहां होगी यर संधि, कौन सी संधि होगी, यर संधि होगी, यर संधि हुआ। अब यण संधि जब हमारी होगी तो यण के इको यड़ची सूत्र लगेगा, कौन लगेगा, इको यड़ची सूत्र लगेगा, तो इसमें ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला हो जाएगा, ठीक। तो देखें, हा या प्लस आत्मना दिया हुआ है, दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा हिया, बड़ा आ जुड़ जाएगा ना, मनहा तमनहा, ये बना ह्यात्मना, बन गया कि नहीं। अब इसके बाद अगले पद लेंगे जराम, अगला पद लेंगे क्या, जराम, ठीक, ये जराम हो गया। अब यहां देखेंगे जो विसर्ग आया है ना हमारा, अब विसर्ग के स्थान पर लग जाएगी हमारी विसर्ग संधि, यहां लगेगी कौन सी संधि, विसर्ग, विसर्ग के अंतर्गत हमारी होगी कौन सी, उत्त संधि, कौन सी संधि होगी, उत्त संधि, ठीक। अब यहां उत्त संधि होगी तो ऊ हो जाएगा हमारा, देखें ये लिखा हुआ है ह्यात मनो, ऊ हो गया ना, तो ह्यात मनो जराम, ये इस प्रकार से हमारा पद बन जाएगा, ह्यात मनो जराम पूरा पद बन गया। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी हमारी, विसर्ग संधि और यण संधि, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब आगे चलते हैं हम, लिखा हुआ है मुख्य अमात्य अनु अमात्य अमात्य अनाहूय अनुजम। अब यहां पर भी हमारे देखिए तीन चार पद हैं, यहां पर भी दो तीन संधियां होने वाली हैं, देखिए पूरा पद देखें, आराम से पढ़ेंगे तभी बनेगा, देखिए मुख्य अमात्य अनाहूय अनुजम ऐसे पढ़ना पड़ता है, ठीक। मुख्य अमात्यान, अमात्यान लिखा, आहू ये लिखा, तो अब देखेंगे यहां, यहां हमारा बना हुआ है मुख्य, सबसे पहले मुख्य दिया है प्लस अमात्य, अमात्यान क्या लिखा है, अमात्य अमात्य यान, अमात्यान ये दिया हुआ है, तो इसमें आ और इसका आ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा आ, तो यहां हमारी संधि लगेगी दीर्घ संधि, कौन सी संधि लगेगी, दीर्घ संधि रहेगी, और दीर्घ संधि के अंतर्गत सूत्र हमारा तो आप जानते हो कौन सा रहता है, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ हमारा सूत्र रहता है, जो कहता है कि आ के बाद अगर आ जाए तो क्या बनता है, बड़ा आ बनता है, दोनों को मिला देने पर बड़ा आ बनता है। तो यहां पर भी देखिए छोटा आ सामने है तो दोनों बड़ा आ बन गए, अब ये बन जाएगा मुख्य और आ जुड़ जाएगा तो मुख्या और मात्यान, मात्यान मुख्या मात्यान ये बन गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है आहुए, आहुए को सीधा सीधा जोड़ दीजिए व्यंजन संधि के आधार पर, तो आहुए क्या बन जाएगा, आहुए बन जाएगा कि नहीं। फिर अनुजम दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, अनुजम, अनुजम दिया हुआ है, ठीक। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, तो यहां पर आ दिया हुआ है और अनुजम का आ, फिर हमारी दीर्घ संधि लग जाएगी आ मिलकर के, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, बड़ा आ बना लेंगे, बड़ा आ बनाएंगे तो यहां पर भी देखिए क्या हो जाएगा, ये जो आ है ये बड़ा आ में परिवर्तन होकर के इसमें जुड़ जाएगा, नुजम यहां जुड़ जाएगा, ये नुजम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, मुख्य अमात्यानु अनुजम बन जाएगा कि नहीं। तो यहां पर भी हमारी दीर्घ संधि होगी, बीच में यहां व्यंजन संधि हो गई, अनाहूय अनाहूय इस कर देते तो दीर्घ संधि पूरी पूरी हो जाती। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, अब आगे देखते हैं अगला हमारा पद दिया हुआ है जो, वो देखें, यद्यहम क्या दिया है, यद्यहम यदि प्लस अहम, ये देखेंगे यदि प्लस अहम, यदि प्लस अहम दिया हुआ है, ठीक है। यदि प्लस अहम में यहां पर भी या और द, फिर छोटी ई को निकाल लेंगे और अहम हमारा पद रहेगा, ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए अब यहां देखते हैं कि यहां पर भी हमारी यण संधि लगेगी, कौन सी, यण संधि, यण संधि रहेगी
और सूत्र रहेगा एको यणची। कौन सा सूत्र रहेगा? एको यणची। एको यणची सूत्र से हमारा होगा ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा और ऋषि के स्थान पर रा और लिरि के स्थान पर ला। तो ई के स्थान पर क्या कर देंगे? या कर देंगे, या कर दिया और अहम जुड़ गया, अहम ज्यों का त्यों पद जुड़ जाएगा, फिर बनेगा या और दा और या संयोगे बनता है द्या। ठीक, लेकिन ये आधा है तो ये आधे आधे मिलके आधे ही बनेंगे, अहम का आ जुड़ जाएगा और ऐसे जुड़ेगा यद्यहम, ये बन जाएगा हमारा यद्यहम। अगर माँ को आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आप इसमें बिंदु भी रख सकते हैं, यद्यहम बन जाएगा। अभी ये समझ में ना आ रहा होगा ये क्या है, तो आप देखें ये बनता है द्या, यद्यहम इस प्रकार से बनेगा यद्यहम। तो संधि होगी हमारी यण संधि, सूत्र होगा हमारा एको यणची। ठीक, फिर इसके बाद लोका अपवादः दिया हुआ है। क्या लोका अपवादः? लोक प्लस अपवादः, लोका अपवादः, तो यहां पर हमारा बन जाएगा दीर्घ दीर्घ संधि। लोकः, लोक प्लस अपवादः, अपवादः, लोक प्लस अपवादः, तो काम ऐसे आ को निकाल लिया है, अपवाद का आ ले लिया है, दोनों मिलकर के आ को बना लेंगे। ठीक, ये बनेगा हमारा लोक प्लस बड़ा आ और पवादा, पवादा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों के आ निकल चुके हैं तो इसलिए यहाँ पवादा आया है। आ को जोड़ेंगे हम किसमें? लोक में, तो लोका पवादा, लोका पवादा हमारा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब लोका पवादा जब बन गया है तो यहां पर हमारी दीर्घ संधि होगी, और कौन सी होगी दीर्घ संधि में? सूत्र दीर्घ संधि में अकह शवर्णे दीर्घा, अकह शवर्णे दीर्घा, अकह शवर्णे दीर्घा, समझ में आया? यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़िया देखते हैं और चलते हैं। राज्य लोभादि विषादि नाम, राज्य लोभात प्लस विषादि नाम दिया हुआ है, देखें आगे देखेंगे उसी क्रम में संधियां हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। राज्य लोभात, राज्य लोभात प्लस विषादि नाम, विषा विषादि नाम, विषादि नाम, विषादि नाम। ठीक, अब यहां लगेगी हमारी व्यंजन संधि। कौन सी संधि? हल संधि रहेगी, लेकिन हल संधि के अंतर्गत आपको पता है एक संधि है जो हमारी कौन सी लगेगी? जस्त संधि लगेगी। कौन सी? जस्त संधि। वो जस्त संधि कौन सी होगी? जब यहां सूत्र लगेगा हमारा झलाम झस, झलाम झस झसी, झलाम झस झसी, और एक सूत्र और होता है झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते एक सूत्र होता है। ये दोनों सूत्र रहेंगे तो ये हमारे क्या करते हैं, ये पहले वर्ग का किस में परिवर्तन करते हैं? अपने वर्ग के पंच तृतीय वर्ण में परिवर्तन करते हैं। जिसे देखिए ऐसे बनेगा, जैसे ता था, ता था दा धा ना, यहाँ आ जाएगा पा फा, पा फा बा भा मा, का खा गा घा अंगा, यहाँ आ जाएगा चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अणा, ये दिया हुआ है। अब ये बात हो रही है तो ये तीसरे वर्ण में, तीसरा वर्ण कौन कौन से है? देखो ये है तीसरे वर्ण दिए हुए हैं, तीसरे वर्ण दिए हैं कि नहीं? तो ये पहले वर्ण है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जो भी वर्ण होगा उसी का तीसरा वर्ण। तो यहां ता है तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? द, द में परिवर्तन कर लेगा तो राज लोभात की जगह राज लोभाद हो जाएगा, और यहां विषादी नाम क्या रहेगा? विषादी ना, विषादी ना हो गया। अब इसको जब हम वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो ये बनेगा राज, राज लो भाद, विषादी का वी यहां जुड़ जाएगा और शादीना, शादीना राज लोभादि विषादीना बन जाएगा कि नहीं? ये जस्तु संधि, अगर पा आता तो बा हो जाता, का होता तो गा हो जाता, और चा होता तो जा हो जाता, टा होता तो डा हो जाता, ये हमेशा इनका नियम होता है।
ठीक, ये जस्त संधि है। सूत्र रहेगा झलाम जस जसी, कौन सा होगा झलाम जस झसी झलाम जसु अंते। कंडीशन ये होती है कि झलों के स्थान पर जस आदेश हो झस पर ही रहते, अगर ये दूसरा सूत्र है कि झलों के स्थान पर जस आदेश हो बाद में स्वर भी हो तो भी चलेगा, ये हमारी कंडीशन। चलिए आगे देखेंगे जस्त संधि के बाद अगला हमारा जो सूत्र आएगा शब्द वो देखेंगे। अगला शब्द आ रहा है कौन सा देखेंगे, आगे हमारा क्या है पुत्र पुत्र हानिर पुत्र हानिर, देखें पुत्र हानि ही फिर वसोस छेदस्य, पुत्र हानि ही वसोस छेदस्य ऐसे शब्द दिए हुए हैं, तो पुत्र हानि वंश उच्छेदः प्लस च, शब्द को पूरा अलग अलग करेंगे, पुत्र हानिर अलग हो जाएगा, वंश अलग हो जाएगा और उच्छेद अलग हो जाएगा, च अलग हो जाएगा। अब देखें तो पुत्र हानिर की जगह देखें पुत्र लिखा है ना, पुत्र हानि विसर्ग लगा हुआ है फिर वंश लगा हुआ है, तो अंतस्थ व्यंजन होने पर विसर्ग के स्थान पर रकार हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा र, तो पुत्र हानि और र और वंश, वंश आ गया देखें ये, अब ये र हमारा ऊपर पहुंच जाएगा तो यहां र आ जाएगा, तो यहां से र हट जाएगा, अब इसको हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा ऐसे वंश, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद वंश आ गया है, फिर वंश के बाद उच्छेद दिया हुआ है तो उच्छेद को यहां लिखते हैं उच्छेद, ठीक, तो एक बार तो विसर्ग संधि यहां हो गई, ठीक, विसर्ग संधि के बाद अब यहां पर देखें आ के बाद उ आ रहा है, आ के बाद उ आ रहा है, तो आ के बाद उ आने पर क्या बनता है हमारी, आ के बाद उ आने पर उ बनता है, और उ हमारा किस संधि में बनता है, गुण संधि में, किसमें बनता है, गुण संधि में बनता है आ के बाद उ, ठीक, और गुण संधि में सूत्र रहता है आद गुणा, कौन सा सूत्र रहता है आद गुणा, ये क्या कहता है जरा देखें कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ए बनता है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ बनता है, हो गया ठीक। फिर यहां पर देखें कि आ के बाद क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, आ के बाद ऊ आ रहा है तो ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा तो यहाँ ओ आ गया है, देखो यहाँ शब्द बनेगा हमारा पुत्र हानिर, हानिर वंश सा आधा हो जाएगा और प्लस में हमारा अब ओ आ जाएगा, ऊ बीच में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा और उच्छेद का ऊ निकल गया तो आधा चा और छेद हमारा आ जाएगा, ठीक, तो ओ हमारा जब ये ओ है तो ये सा में जुड़ जाएगा तो ओ हो जाएगा, जुड़ गया कि नहीं यहां पर, और छेद ये हमारा जुड़ गया इसमें, अब यहां से ये भी हट जाएगा। चलिए ये हमारे पद यहां तक बन गया उच्छेदा, विसर्ग आ गया, लेकिन अभी चा हमारा बचा हुआ है, अब विसर्ग के स्थान पर होगा हमारा क्या, शा, शा कैसे होगा, यहां पर स्तुत भी होगा स्तुत भी होगा, पहले पहले तो हम करेंगे विसर्जनीय से सा से सा, ठीक, अब इसको देखते हैं ऊपर लिख करके, तो आपको बनाना है, अब देखिए लास्ट देखें लिखा हुआ है पुत्र हानिर वंश वंशोच्छेदः छेदः प्लस च, यहां पर देखेंगे अब यहां लगेगी हमारी कौन सी संधि, विसर्ग संधि, तो सबसे पहले सूत्र रहेगा विसर्जनीयस्य सा, विसर्जनीयस्य नियस्य विसर्जनीयस्य सा से सा करेंगे तो ये बनेगा पुत्र हानिर हानिर वंशोच्छेद छेद की जगह सा हो जाएगा और चा आ जाएगा, अब यहां लगेगा स्तोह इश्चुना इश्चु, कौन सा स्तोह इश्चुना इश्चु, स्तोह इश्चुना इश्चु जब सूत्र लगेगा तो ये जो सा दिया हुआ है ना सरते वाला, यहां देखो सा के स्थान पर ये सा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग होगा, तो यहां हो जाएगा पुत्र हानिर वंशस वंशोस छेदस च, ये इस प्रकार से बन जाएगा, अगर यहां पर तो बोले सा ऐसा लिखा हुआ है सा, तो आप इसको ये सा जो लिखा हुआ है इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये सा और ये चा तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहां विसर्ग संधि, ठीक, अब इसमें देखिए विसर्ग संधि में अब कौन कौन से है, यहां विसर्ग यहां गुण और यहां विसर्ग के साथ इश्चुत संधि लगी हुई है व्यंजन संधि की, इश्चुत होकर के आया। चलिए
अब आगे देखेंगे, आगे दिया है तदुत्संगे, तत् प्लस उत्संगे, तदुत्संगे, ठीक, तत् प्लस उत्संगे दिया हुआ है। देखें यहां पर भी हमारा जस्त संधि है हल संधि की, तत् प्लस उत्संगे, तत् प्लस उत्संगे दिया हुआ है, ये पद दिया हुआ है, इसको तो आप देख पा रहे होंगे। चलिए तो तत् यहां लगेगा हमारी जस्त संधि, कौन सी, जस्त, जस्त संधि में कौन सा रहेगा हमारा, झलाम जस झसी, अभी मैंने बताया है आपको इसके जस्ट पहले, ठीक, तो यही हमारा रहेगा। तो ता वर्ग है, तो ता वर्ग का तीसरा अक्षर है द, ता था द, तो द में परिवर्तन करेगा तो ये तद हो जाएगा और उत्संगे ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो द में उ जुड़ जाएगा, तदुत्संगे शब्द बनेगा, तदुत्संगे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हमारा पूरा शब्द बन गया है तदुत्संगे, ठीक। तो यहां पर संधि होगी जस्त संधि, मतलब व्यंजन संधि, ठीक है ना, व्यंजन संधि को अगर आप बात करें संस्कृत की तो हल संधि कहते हैं, ठीक। अब आगे हमारी दी हुई है संप्राप्त, संप्राप्त राज्य संपत्तिर मुंजो, तो संप्राप्त राज्य संपत्तिर मुंज दिया हुआ है, संप्राप्य प्राप्त राज्य संपत्ति प्लस मुंज, प्लस मुंज दिया हुआ है, विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सा, सा के बाद रू, रू के बाद रा और बन जाएगा, देखिए सम प्राप्त राज्य, राज्य संपत्ति, संपत्ति स, विसर्जनीय से सा से सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्जनीय से सा हो जाएगा। अब फिर बनेगा सस जो सो रू, तो रू हो जाएगा सम, संप्राप्य प्राप्त, संप्राप्त राज्य, प्राप्त राज्य संपत्ति ही, संपत्ति ही रू, और मुंज यहां पर भी आपको याद रखना है कि जो हमारा रू है, ऊ है, जो राम है ऊ है ना, उपदेश या अजनुनासिक इत से उसकी संज्ञा हो जाएगी और हट जाएगा, तो बनेगा हमारा संपत्ति, क्या बनेगा, संप्राप्य, संप्राप्त राज्य संपत्ति र प्लस मुंज, ये दिया हुआ है। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि ये रकार हमारा ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, जल तुम्बिका नयन रेफस उर्ध गमनम, प्राप्त राज्य संपत्तिर, संपत्तिर मुंजो बन गया है कि नहीं, संप्राप्त राज्य संपत्तिर मुंजो, तो यहां पर हमारी संधि भी विसर्ग संधि होगी। चलिए आगे देखेंगे, आगे उसी क्रम में चल रहे हैं और आगे उसी क्रम में दिया हुआ है तत्पदेन्यान्य, तत्पदेन्य, तत्पदेन्यम, तत्पदेन्यम, तो तत्, तत् प्लस पदे प्लस अन्यम, ये दिया हुआ है। तो यहां पर भी जस्त संधि लगेगी पहले हमारी, कौन सी, जस्त संधि, झलाम ज जसी से ता वर्ग का तीसरे अक्षर में, ता था द में परिवर्तन होगा, कौन से सूत्र से, झलाम जस झसी, इस सूत्र के माध्यम से ता वर्ग का द में परिवर्तन होगा तो तद हो जाएगा, पदे हो जाएगा, तत्पदे, ठीक। तो अगर नहीं भी करेंगे तो भी सीधा सीधा बन जाएगा ऐसे, तत्पदे ऐसे कर दो, दोनों को मिला दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। प्लस अन्यम दिया हुआ है, अब अन्यम यहां पर, ठीक, अन्यम दिया हुआ है तो अब यहां ए देखें, अब यहां लगेगी हमारी कौन सी संधि, पूर्व रूप संधि, कौन सी, पूर्व रूप, क्या दिया हुआ है, पूर्व रूप संधि दी हुई है, पूर्व रूप संधि में लगता है हमारा सूत्र एंग पदांता, पदांताद दति, तो ये कहता है कि पहले पद में ए और ओ दोनों आ जाएं, फिर उसके बाद आ आता है तो हमेशा क्या होता है, आ अवग्रह के रूप में परिवर्तन कर लेता है। तो यहां देखें पहले पद में दा में ए है, तत्पदे, तत्पदे में दा में ए है और आ है पीछे, तो अवग्रह हो जाएगा, अवग्रह अन्यम, तत्पदे अन्यम।
अवग्रह क्या है, जलतुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध्व गमनम, याद रख लेना जलतुम्बिका न्यायन रेफस्य ऊर्ध्व गमनम। तो जब भी जिस प्रकार से सूखी लौकी या कद्दू को डुबा देने पर वह हमेशा पानी में ऊपर की ओर आता है, उसी प्रकार से अगर बीच में रा है, आधा है और पीछे अगर कोई स्वर नहीं है उसको समावेश करने के लिए, या कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो रा को समावेश कर सकता है, तो रकार रेफस से ऊर्ध्वगमनम सिरोरेखा पर पहुंच जाता है। तो यही यहां पर हुआ है, ठीक। जलतुम्बिका न्यायन रेफस से ऊर्ध्वगमनम और वो एक जल वो सॉरी चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते, ठीक। तो ये हमारा केवल खुशबू मात्र के लिए आकार रहता है, इसको देख लेते हैं। यहां पर पूर्व रूप संधि हो गई है, पूर्व रूप संधि के बाद अगला पद दिया हुआ है कश्चन। क्या दिया है? कश्चन। कश्चन में कह धन चन दिया हुआ है, देखा जरा कह धन चन क्या हो जाएगा, कह धन चन। अब इसमें देखिए बताने की तो जरूरत है ना, इसमें संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि। कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग संधि में सूत्र हमारा कौन सा रहेगा, विसर्जनीय से सह रहेगा। कौन सा रहेगा? विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय से सह से हम यहां कर देंगे क्या, श और चन हो जाएगा। अब इसमें हम सूत्र लगा देंगे कौन सा, इस तो हो इस चुना इस चु। क्या सूत्र होगा? इस तो हो इस चुना इस चु। तो ये सा को क्या कर देगा, चा कर देगा, ता को क्या कर देगा, चा कर देगा। तो यहां हो जाएगा सा और चन हो जाएगा, दोनों को जब मेल करेंगे तो ये बनेगा हमारा कस चन। क्या बनेगा? कस चन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमारी यहां संधि हो जाएगी कौन सी, विसर्ग संधि इस चुत्त होकर के। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब आगे देखते हैं, उसी क्रम में लिखा हुआ है यथेच्छम, यथा धन इच्छम यथेच्छम, ठीक। यथा प्लस इच्छम दिया है, बड़ा आ दिया हुआ है और इच्छम का ई दिया हुआ है, ठीक। आ के बाद ई आने पर क्या बनता है, ये तो गुण संधि बता पाएगी, ये तो गुण संधि ही बताएगी कि आ के बाद ई आने पर क्या बनता है, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो क्या बनता है, हमेशा ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। और क्या बोले, छोटा आ या बड़ा आ जाए, उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, तो क्या बनता है, हमेशा ओ बनता है। ये गुण संधि का नियम कहता है, लेकिन सूत्र कौन सा लगता है, आद गुणा, ठीक, आद गुणा सूत्र लगता है। तो यहां पर भी हम ए बना देते हैं, यथा में से हमारा क्या निकल चुका है, बड़ा आ निकल चुका है, तो आधा हो जाएगा था। फिर ए हमारा दोनों पदों को मिलाकर के ए बन गया, तो बीच में आ जाए, इच्छम का ई निकल चुका है, आधा चा और छा और मा आ जाएगा। ए की मात्रा इस पर लगेगी तो ये बनेगा यथे, और छम जुड़ा हुआ है तो यथेच्छम बनेगा कि नहीं बनेगा, और शब्द हमारा बन जाएगा यथेच्छम, और सूत्र हमारा लग जाएगा आदगुणा, संधि हो जाएगी गुण संधि बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, उसी क्रम में आगे चल रहे हैं, और आगे चलते हुए हम देखते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है, आगे हमारा क्या है, इसके बाद क्या आएगा देखें। आगे दिया हुआ है पद परिचय। क्या दिया हुआ है? पद परिचय दिया हुआ है, और पद परिचय में देखेंगे शब्द रूपों पर आधारित हमारे पद परिचय होने वाले हैं। देखें सबसे पहले दिया है वार्धक्य, तो वार्धक्य शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में राम के समान रूप चल जाएंगे, जैसे रामा रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, सप्तमी में रामे, वैसे वार्धक्य वार्धक्य वार्धक्यम वार्धक्यन वार्धक्याय वार्धक्यात वार्धक्यस और वार्धक्य सप्तमी में, तो सप्तमी में वार्धक्य वृद्धावस्था में। आत्मनः आत्मन रूप चलेंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आत्मनः बनता है, जैसे राजन का राज्ञ बनता है वैसे आत्मनः का आत्मनः बनता है, वो आत्मन का आत्मन है। अनुजम का अनुज शब्द है, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा अनुजः, अनुजः अनुजम अनुजेन अनुजाय अनुजात अनुजस्य अनुजे, इस प्रकार से अनुज। पुत्र पुत्र शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा कैसे, जैसे बनेगा हमारा राम का रामा रामम रामेण रामाय पुत्र पुत्रम पुत्रेण पुत्राय, रामा रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम, पुत्र पुत्रम पुत्रेण पुत्राय पुत्राय पुत्रस्य पुत्रे हे पुत्रे हे पुत्र, ठीक। तो ये चतुर्थी विभक्ति में रामाय पुत्राय, ठीक। इन पे जो देखिए सरल है इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, नहीं तो अभी रूप लिख करके भी मैं बताता। फिर लिखा हुआ है अहम, अहम अस्मद का रूप है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में अहम माम मया मह्यम, अस्मत का रूप चलता है अहम माम मया मह्यम, मम मत मई,
इस प्रकार से रूप चलते हैं अस्मत के, तो ये अहम प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप हमारा हो जाएगा। राजनी शब्द दिया हुआ है, राजन शब्द से बनता सप्तमी विभक्ति एक वचन में राजनी। जैसे किसका अभी बोला ना, आत्मन का आत्मनी बनता है तो राजन का राजनी बनता है। ये सप्तमी में बनेगा आत्मनी आत्मनी, और राजन का बन गया है राजनी, ठीक है ना। चलिए ये इस प्रकार से रूप बनते हैं। सभायाम लिखा है, सभा शब्द है और तो बड़ा आ लगा हुआ है, तो लता के समान रूप चले जाएंगे, पुष्पा के समान रूप चल जाएंगे, भाषा के समान रूप चलेंगे, कथा के समान रूप चलेंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन में। कैसे रमा रमाम रमिया रमा यही रमाया रमाया रमायाम हे रमे, कथा कथाम कथया कथाय कथाया कथाया कथायाम हे कथे, भाषा भाषाम भाषाया भाषायी भाषाया भाषाया भाषायाम, वैसे चलेगा सभा सभाम सभया सभायी सभाया सभाया सभायाम, सप्तमी विभक्ति एक वचन में हमारा ये रूप बन जाएगा बनेगा। चले आगे देखें, फिर दिया हुआ है पर्यपालक, ये धातु रूप पर आधारित है। किस पर है? धातु रूप पर आधारित है हमारा पर्यपालियत। तो परि उपसर्ग है, पाल हमारी देखो धातु है, लंग लकार, लंग लकार क्या भूतकाल, भूता हुआ काल, तो प्रथम पुरुष एक वचन में होना है पर्यपालियत, पर्यपालियताम पर्यपालितम पर्यपालितन, इस प्रकार से बन जाए। जैसे कैसे पठत पठत पठताम पठन, वैसे बनेगा पालियत पालियताम पालयन, तो परे हमारा उपसर्ग लग जाएगा, यण संधि के होकर के यहाँ परि उपसर्ग में या यण हो जाता है, ठीक बन जाएगा। समजनी, तो सम उपसर्ग है, जन धातु है, लुंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन लुंग लकार है, देखिए आपको बता दूं जन्मा भविष्य काल के रूप में है लुंग लकार, तो वहां पर पुत्र का जन्म हुआ जन्मा। यच्छामी में प्रयच्छ शब्द है, प्रयच्छामी में दान दान के अर्थ में धातु लट लकार लट लकार हो सॉरी हाँ लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयच्छामी प्रयच्छावः प्रयच्छामः, ठीक। इस प्रकार मार विष्यति, मार इष्यति है विष्यति नहीं मार इष्यति, तो मृ धातु है तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी तो मार बन जाएगा, कर्मवाच्य में बन जाएगी लट लकार भविष्य काल में, प्रथम पुरुष एक वचन में मारिष्यति बनता, ठीक है ना, कर्मवाच्य की क्रिया रहेगी मारिष्यति। मुमोच दिया हुआ है, मुच धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, मुमोच बन जाएगा, लिट परोक्ष लिट में बनता है मुमोच, जैसे भू धातु से बभूव बनता है वैसे ही बनेगा मुच धातु से मुमोच, दुत्त हो जाता है याद रखना धातु का। फिर दिया है विचारे आमाश, तो बी उपसर्ग है, चर धातु है, लिट लकार परोक्ष लिट में, इसमें भी विचारी आमास बनेगा प्रथम पुरुष एक वचन में। नियोज आमास में दिया है नि उपसर्ग, युज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, ये भी हमारा रूप बने। अभी ये सारे धातु रूप बढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से, ठीक। फिर दिया है कथयंती, तो कथ धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन वर्तमान काल में बनेगा, कथयति कथता कथयंती। पृच्छ धातु है, पृच्छ हमारा देखिए पृच्छ बनना है पृच्छ धातु से, तो लोट लकार आज्ञार्थक में बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में, पृच्छ पृच्छतम पृच्छत ऐसे बनता है, पृच्छ पृच्छतम पृच्छत, और पृच्छत पृच्छताम पृच्छन ये अन्य पुरुष में बनता है, याद रख लेना। आगे देखेंगे ये धातुएं हैं, धातु का पद परिचय था, फिर समास दिए हुए हैं, समास क्या है समास में देख लेंगे। मुख्यमात्यान मुख्यमात्यान मुख्यान अमात्यान कर्म धारय तत्पुरुष, जहां विशेषण और विशेष की बहुलता को दर्शा दिया जाए, कैसा अमात्य था बोले मुख्य विशेष, तो कर्म की प्रधानता इसलिए कर्मधारय समास। महाबलम ये भी कर्मधारय समास ही होगा, लेकिन यहां महाबली शब्द देखिए महात्मा शब्द आता है महात्मा, तो महान चासव आत्मा इति महात्मा, तो कर्मधारय समास हो जाता। अब यहां पर महान महान बला यस्मिन अस्ति सहतम, जो महाबलशाली होता है किसी तीसरे की राजा की बात अन्य विशेष के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए बहुव्रीहि समास। राज्य लक्ष्मी भार धारणम समर्थम, राज्य लक्ष्म्या भारस्य धारणे समर्थम तत्पुरुष समास, राज्य लक्ष्मी के भार को जो धारण करने में समर्थ हो तत्पुरुष समास, ऐसा अर्थ निकलेगा। राज्य लोभात राज के लोभ में, तो राजस्य लोभात षष्ठी तत्पुरुष समास, के का अर्थ निकल रहा है षष्ठी लग जाएगी। तदुत्संगे में तस्य उत्संगे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, तदुत्संगे ठीक, तो तस्य उत्संगे। फिर लिखा हुआ है ज्योतिष शास्त्र पारंगतः, तो ज्योतिष शास्त्रे पारंगत, ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र में जो पारंगत हो सप्तमी तत्पुरुष समास, में सप्तमी लगी हुई है ना इसलिए सप्तमी तत्पुरुष। सर्वज्ञम, तो सर्वम जानाति इति तम उपपद तत्पुरुष समास, या उपपद नहीं मिलता है तो बहुव्रीहि समास लगा दे सर्वज्ञम, जो सर्व सब कुछ जानने वाला हो अर्थात सर्वज्ञ। यथेच्छम में इच्छाम अनतिक्रम अव्ययीभाव समास है,
ठीक है ना। इच्छाम अनतिक्रम, यथा शब्द लगा हुआ है इसलिए हमेशा याद रख लेना, यथा अव्यय लगा हो तो अनतिक्रम शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। जैसे यथाशक्ति, यथा योग्यम, यथा पुरुषम, ठीक, यथानुरूपम, यथा क्रमम, ये शब्द हमारे सब अव्यय भाव के हैं और इनमें क्या होता है उत्तर पद को पहले लिख करके और अनतिक्रम में शब्द जोड़ दिया जाता है। आगे देखेंगे प्रत्यय दिए हुए हैं, प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। प्रत्यय में क्या दिया है, ज्ञात्वा, ज्ञा धातु है, कित्वा प्रत्यय है, सीधा सीधा ककार की संज्ञा हो जाएगी, ज्ञा प्लस कित्वा, ठीक, तो का की संज्ञा लसक को तद्धिति से हो जाएगी, त्वा शेष बचेगा, प्लस ज्ञा हमारी धातु है तो जुड़ जाएगी और बन जाएगा ज्ञात्वा, क्या बनेगा, ज्ञात्वा बन जाएगा, समझ में आ गया होगा। फिर दिया है आहुए, क्या दिया है, आहुए, आ उपसर्ग है, हिमी धातु है, लेप प्रत्यय से आहुए बन जाएगा, आलोक है, आ उपसर्ग है, लोक धातु है, लेप प्रत्यय, लकार पकार की, लकार पकार की संज्ञा होकर के सीधा आलोक को जुड़ जाएगा। समवीक्ष में सम उपसर्ग भी है, ईक्ष, तो ये दीर्घ हो जाएगी यहाँ, तो वीक्ष हो जाएगा, लेप का यह जुड़ जाएगा, वीक्ष हो जाएगा। अपहाय दिया हुआ है, अप उपसर्ग है, हा धातु है, लेप प्रत्यय में लकार और पकार की संज्ञा, लसक को तद्धिते और हलंत्यम, लसक को तद्धिते और हलंत्यम, लसक को तद्धिते और हलंत्यम, इत संज्ञा करने वाले सूत्र यही है। इन प्रत्ययों का हमें हमेशा देखना है कि शेष क्या है, इसमें त्वा शेष बचा है, इसमें या शेष है, इसमें या शेष है, इसमें या शेष है और इसमें भी या शेष है। और दत्तम में दा धातु है, कित प्रत्यय में ता शेष रहेगा, ये अगर आप शेष याद रखते हो तो आपसे कोई भी प्रत्यय बनेगा। बाकी ये सारी चीजें देखो थोड़ा सा गहराई से पढ़ने में ही आती है, बाकी बन जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलिए अभी व्याकरण जब प्रारंभ होगी तो ये सारी चीजें आपको शुरुआत से पढ़ाई जाएंगी कि प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, तद्धित होते हैं, कृदंत होते हैं, और तद्धित कहाँ जुड़ते हैं, कृदंत कहाँ जुड़ते हैं, और इसके बाद स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए टाप डाप गीप गीस गीन गीन उंगति, ये स्त्री प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, टिक ढाणई दोसज दधनई मात्रज तयप ठक ठई कई कोरपा, ये प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और जो हमारे तिगंत प्रत्यय हैं जो धातुओं में जुड़ते हैं कौन कौन से, तिप्त झी सिप्थस्था मिगस्वस्था थाम झा था सा थाम ध्वम इड बही महेंग, और जो हमारे शब्दों में जुड़ते हैं जैसे स्वउज समउज समउज षष्ठाभ्याम भिषगेभ्यम भिषगसिभ्यम भस गसोसाम गीयोसुप, ये प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, ये सब बहुत कुछ है, यहाँ केवल इतने बस से काम भी नहीं चल रहा है, याद रखना, ठीक। तो बहुत सारे प्रत्यय हैं, लेकिन ये तो अपना क्या है एक पैराग्राफ से मैं अपनी तरफ से इनको अलग अलग करके क्या है आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से शब्द कहाँ पर कैसे प्रयोग होते हैं, इसलिए पाठ के साथ में पैराग्राफ के साथ में आपको अर्थ भी दे रहे हैं, अर्थ के साथ में उसका विश्लेषण व्याख्या भी, उससे बनने वाली संधियां, उससे प्रत्यय, उससे बनने वाले समास, ये सारी चीजें, यही फंडा है मैग्नेट ब्रेंस का, आपको सारी चीजों में पारंगत करना। चाहे यहां अभी हो सकता है कि पाठ के साथ में आपको कम रूप में समझाया जा रहा हो, लेकिन जब आप ग्रामर पढ़ेंगे और जब इसको पढ़ेंगे तो दोनों मिक्स करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी। विचार दिया हुआ है, विचार में भी उपसर्ग दिया हुआ है, चर धातु है, लेप प्रत्यय, इसमें भी देखिए या शेष रहेगा हमारा, भी उपसर्ग हमारा जुड़ जाएगा, यहाँ दीर्घ होकर के विचार बन जाएगा। सम प्राप्त लिखा है तो सम उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, और आप धातु कित प्रत्यय में का की संज्ञा, ता हमारा शेष रहेगा, प्राप्त बन जाएगा। समागत में भी सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय में या शेष रहेगा, तो ये भी सम आ, आ जुड़ जाएगा तो आ समा गत और गम से गत बनेगा और हमारा बन जाएगा समागत। दूरी कृत में भी दूर है और च्यू है तो दूरी कृत क्री धातु आ जाएगी, और देखिए दूरी में यहाँ पर जो च्यू है ना ई आ करके इसमें दीर्घ बनाता है, इसीलिए यहाँ च्यू में ई शेष रहता है, लेप में या शेष रहेगा और हमारा बन जाएगा दूरीकृत। एक आपने वो देखा होगा दूरीकृत और समीकृत, ये सब हमारे बनते हैं, इसमें च्यू का आदेश माना जाता है। इसके बाद दिया हुआ है गद्यांशम पठित्वा, क्या दिया है, गद्यांशम, गद्यांशम पठित्वा अधोलिखित प्रश्नान उत्तरत, एक पदेन उत्तरत, गद्यांश को पढ़कर के नीचे लिखे हुए प्रश्नों का क्या देना है, उत्तर देना है, वो कैसे देना है, एक पद के द्वारा। सिंधुल संज्ञा राजा कुत्र वसति इसमें, सिंधुल नाम के राजा कहां बसते थे, तो धारा नगरी, धारा राज्य था वहां बसते थे, तो देखो धारा राज्य कहां बसते थे, धारा राज्य। फिर लिखा राजा कस उत्संगे भोजन मुमोच, राजा किसके उत्संग में भोज को क्या है मुमोच मुंज, तो मुंजस किसके साथ में छोड़ करके चले गए थे, राजा भोज को मुंज के साथ में, अपने भाई के साथ में छोड़ करके वहां चले गए थे, किसको दे दिया उन्होंने उत्संग माना गोद में, किसकी गोद में रख दिया था, तो मुंज की गोद में। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो, दिया हुआ है पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो, अत कदाचन सभायाम कह आगता, अथ कदाचन सभायाम कह आगता,
वहां पर कोई सभा में आ गया, कौन आया था सभा में, तो अत कदाचन सभायाम ज्योतिष शास्त्र पारंगता कश्चन ब्राह्मण समागता। ठीक, तो कोई क्या आ गया था सभा में, ज्योतिष शास्त्र से पारंगत कोई ब्राह्मण समागता माने आया उसी समय। राजा किम विचार्यमास, राजा ने क्या विचार किया था कि राजा ने विचार किया यद्यहम राज लक्ष्मी भार धारणम सहोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छति तदा लोकापवादः। राजा ने विचार किया कि यदि मैं अपनी राज्य लक्ष्मी इस राज्य का भार सहोदर भाइयों को छोड़ करके अपने राज्य यह राज्य अपने पुत्र को दे देता हूं तो यह लोक अपवाद बनेगा, लोग इसकी निंदा करेंगे कि इतने बलशाली हमारे भाई थे और अपने भाई को ना दे करके इस छोटे से पुत्र को पूरा राज्य दे करके चले गए, इसलिए उन्होंने अपने मुंज को भाई को राज्य दे दिया था। निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। लिखा है वालम मे पुत्र, वालम मे पुत्र इत्यत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्। वालम मे पुत्र, मेरे बालक को। ठीक, तो ये मे शब्द आया है किसके लिए आया है ये सर्वनाम, तो आप देख लीजिए किसके लिए आया, सिंधुलाय राज्ञे, जो सिंधुल राजा थे उन्होंने अपने लिए ये मे मेरे पुत्र को। ठीक, तो मैं माने मेरे पुत्र को, मेरे पुत्र के लिए। मुंज महावलम अनियो पदियो विशेषणम किम, मुंज को महाबलशाली इस पद का विशेषण क्या था, इसमें पद है महाबल, मुंज कौन था, महाबली था, तो यही उसकी विशेषता थी, तो ये विशेषण पद हो गया। कह गुणम वेत्ति, क्या गुण, कौन से गुण को जानता था। ठीक है ना, तो लोक अपवादा, कौन से गुण को जानना था, उनको बन रहा था कि लोक अपवाद होगा और लोग इसको किया इसकी निंदा करेंगे। ठीक, कौन जानता था, राजा जानते थे। विशेषण ही सह विशेष्यानी मिलियत, विशेषणों के साथ में विशेष, विशेषण पदों के साथ में विशेष का मेल करो, ये कह रहे हैं। तो ये विशेषण दिए हुए हैं सबके और ये विशेष दिए हुए हैं। ठीक, सिंधुल राजा कहा, सिंधुल राजा का सिंधुल संज्ञा किसकी थी, राजा की। ठीक, महाबली कौन था, मुंज था। आत्मानम कौन था, आत्मानम पुत्रम। ज्योतिष शास्त्र कहा था, ब्राह्मणा। ठीक, और बालम कौन, बालम का पुत्र, आत्मानम भोजनम, ऐसे बन जाएगा। ठीक, चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि किसकी कौन सी विशेषता है, ये देख लें। सिंधुल, सिंधुल संज्ञा किसकी थी, सिंधुल राजा की। महाबली कौन था, मुंज था। आत्मानम भोज, राजा भोज, आत्मनम। ज्योतिष शास्त्र पारंगत ब्राह्मण और बालम कौन, पुत्र। बालक कौन था, पुत्र था। ठीक, ये इनकी विशेषताएं थी, ये विशेषताएं हैं और ये विशेष पद है, तो समझ में आ गया होगा, आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमारा पहला अनुवाद भाग एक कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, तो नेकेनापि समं वसुमति, ये पाठ था हमारा, इसका अनुवाद हमारा भाग एक हो गया है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा, लेकिन समस्या तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैग्नेट ब्रेंस परिवार आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप किसी भी माध्यम से संबंधित हो, चाहे CBSE हिंदी मीडियम हो, चाहे CBSE इंग्लिश मीडियम हो, चाहे UP बिहार बोर्ड से हो, चाहे MP बोर्ड से हो, कहीं से भी आप संबंधित हो, आपके लिए मैग्नेट ब्रेंस परिवार हमेशा तत्पर खड़ा हुआ है आपकी चिंता करने के लिए। बस आप लोगों को करना है सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट के साथ बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। अगर जैसे नोट्स की आवश्यकता होती है तो वह नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक दी हुई है, संपर्क कर सकते हैं और ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमारे हमारे तरफ से और हमारे इस परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप हमेशा सुखी रहें, सुखद रहें। धन्यवाद।